हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे से टिप्स लेकर आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं फर्स्ट टिप्स के साथ। तो ये देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम हरी सब्जियाँ लाते बहुत जल्दी वो मुरझा जाती हैं। सूखती तो नहीं है अभी क्योंकि सर्दियों का टाइम चला, लेकिन मुरझा जाती हैं और मुरझाई हुई सब्जी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती देखने में। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये पत्ते बाहर निकले हुए हैं, इनको भी हम अंदर ही डाल देंगे थैली में इस तरीके से। और इसको हम एयर टाइट बिल्कुल गांठ इस तरीके से लगा देंगे कि इसमें थोड़ी सी भी हवा नहीं जाएगी इस तरीके से। और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखोगे, बिल्कुल भी ये मुरझाने वाली नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले गारंटी के साथ। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स के, जो भी आपको बहुत खास होने वाली आपके लिए। तो क्या होता है कि घर में पुराने बुरुस्ते पड़े ही होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, तो उनका यूज़ हम किस तरीके से करें, ठीक है, जो पुराने वाले ब्रशेस होते हैं उनका। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ कि हम लोगों को करना क्या है। तो मैंने ब्रशेस ले लिए, अभी मुझे सिर्फ एक ब्रश की ज़रूरत है, तो मैं ले लेती हूँ पुराना वाला ब्रश और फिर मैं उसके लिए दिखाती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले मैं लूँगी एक मोमबत्ती, पानी ले लिया है मैंने, पानी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये मोमबत्ती है, इसको मैं जला लेती हूँ फटाफट से और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि करना क्या है, ठीक है। इस साइड से जला लेती हूँ और यहाँ पे इस तरीके से चिपका देती हूँ, ठीक है। ये लो, अब मैं लूँगी ब्रश। तो ब्रश को क्या करना है ये देखो, बाकी के ब्रश मैं साइड में रख लेती हूँ और अब मैं दिखाती हूँ कि करना क्या है। तो अब हम ले लेंगे ब्रश और इसका यहाँ से बीच में से हम इसको पिघलाएँगे। मोमबत्ती इसलिए यूज़ की है क्योंकि हम जिस जगह पे पिघलाएंगे उसी जगह पे पिघलेगी। अगर हम गैस का यूज़ करते तो पूरा पिघल के अलग हो जाता ब्रश, या फिर पूरा ही पिघल जाता, जल जाता, नहीं हो पाता। तो आप भी कोशिश करिए इसी तरीके से मोमबत्ती से करने की कोशिश करिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा फिर उसके बाद ही पिघलेगा, इतनी जल्दी नहीं ये पिघलता है। तो उसको थोड़ा हमको मोड़ना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसके ऊपर रखे रही हूँ, इसमें आग भी लग गई एक दो बार, लेकिन फिर भी बहुत आसान से आप लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बच्चे बिल्कुल भी इस टिप्स को ना आजमाएं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा भी कुछ देखते हैं वीडियो में तो वो अपने घर पर ट्राई करने लगते हैं। अगर उनको करना है तो अपने मम्मी पापा को साथ में लेके करना चाहिए, नहीं तो अकेले में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो ये देख लीजिए, मैं देखती हूँ ये मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत टाइम बहुत देर हो गई इस तरीके से चलाते चलाते, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सच बता रही, छोटी छोटी टिप्सों से ट्रिक्सों से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, हमारे काम सारे बहुत ईजी हो जाते हैं। जो काम मुश्किल लगते हैं हमको वो बहुत ईजीली हो जाते हैं। तो ये मुड़ने लगा है, तो इस तरीके से इसको मैंने दोनों उंगलियों को पानी में भिगोया। और पता है फ्रेंड्स क्या है, इस वाले ब्रशेस के जो बाल जैसे होते हैं ना, वो इतने घने हैं बहुत ज़्यादा, आपको दिख ही रहे होंगे। तो इससे हम जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका करना क्या है, तो इसको एक थोड़ी देर के लिए पकड़े रहें जैसे ऐसा ही रहे, ठीक है, हो गया है इस तरीके से हमको बनाना है इसका। तो चलिए अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इससे हम क्या क्लीन करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे हमारे घर पर ब्लेंडर है, तो ब्लेंडर में जो जगह होती है ना अंदर साइड की, तो वो बिल्कुल भी आसानी से क्लीन नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कहीं भी क्लीन कर सकते, कैसे भी क्लीन कर सकते इसको, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। कोना कोना होता है ना, उससे कोने में ये ब्रश जा सकता है और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, ना आपका कपड़ा जाएगा, ना आपका ब्रश जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला ब्रश आसानी से चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कोना कोना भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा यूज़ भी हम आपको करके दिखाते, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि मशीन तो हर किसी घर में होती है और मशीन के नीचे मोटर भी लगी होती है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लीनिंग हो ही नहीं पाती मेरी मशीन की, क्योंकि ब्रश उंगली पहुँच ही नहीं पाती, तो इसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा बोलो या फिर जाला बोलो इकट्ठा हो गया था। तो चलिए इसको मैं निकाल देती हूँ फटाफट से आज, क्योंकि आज मुझे ईजिली कोई तरीका मिल गया है मशीन अच्छे से क्लीन करने का। ये देख लीजिए, मशीन में बहुत सारे बोल्ट नट बोल्ट और बहुत सारी मोटर आके आसपास कचरा से जमा हो जाता है, तो इससे बहुत जल्दी ईजिली निकल आता है। ये देख लीजिए, इसी तरीके से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, जहाँ तक आपकी उंगली नहीं पहुँचती, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे आप इस ब्रश का आसानी से यूज़ कर सकते हो।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं यहीं पर रख देती हूँ, मेरे को मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वेट कर यू।